कारी विधानसभा के बौरी स्थित मतदान केंद्र संख्या 323-324 पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत पर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी पर हमला। कांग्रेस प्रत्याशी सुमन कुमार ने सभी मतदान कर्मचारियों सहित प्रशासन के मिले होने का आरोप लगाया। सुमन ने बताया कि बूथ कैप्चरिंग की शिकायत पर पहुंचे तो वहां मौजूद दूसरे प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा हुडिंग की गई और हाथापाई की जाने लगी। मौके पर से जान बचाकर भागा सुमन ने विरोधियों द्वारा फायरिंग करने व वाहन क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया। सुमन ने यह भी कहा कि एसपी से सुरक्षा कर्मचारी मुहैया कराने की मांग की थी परंतु मुहैया नहीं करा सका। के दौरान घूमते हुए जब भोरी बूथ पे पहुंचे, भोरी बूथ का पहले से ही कंप्लेन हम पे आ रहा था कि 323 नंबर बूथ कब्जा करके वोटिंग हो रहा है, लेकिन जब वहाँ पहुँचे हम देखने के लिए तो मेरा पोलिंग पार्टी को, पोलिंग एजेंट को भगा दिया गया था। अब पूछने पे हमसे हाथापाई किया और बाहर निकल कर जब गाड़ी में बैठ के जाने लगे, ऐसे तो धक्का मुक्की करता। कुछ असामाजिक तत्व थे वहाँ पे, लेकिन एक दो बचाने वाले भी थे, अच्छे भी थे वहाँ पे। उन लोगों ने कहा कि ना आप निकलिए। जैसे ही गाड़ी बैठे तो शीशा एक पीछे वाला तो पहले ही तोड़ दिया था, और जब बैठे तो साइड शीशा भी तोड़ दिया, और पीछे से लगातार ईंट पत्थर चलाते रहा। पता नहीं कुछ आवाज़ भी हुआ, क्या था, गोली था कि ईंट का ही आवाज़ था। तो मैं चुनावी प्रक्रिया में लोकतंत्र को फॉलो करने वाला हूँ, गांधी के विचारधारा को मानता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रत्याशी के साथ जो इन्होंने किया है। मैंने प्रशासन को 324-23 के बारे में एक बार नहीं, जितने सीनियर एसपी, डीएम, एसडीएम, डीएसपी, सारे लोग को, वीडियो सबको बताया था, ऑब्जर्वर, कि वहाँ बूथ कैप्चरिंग चल रहा है, लेकिन पता नहीं इन लोगों ने क्या किया। ये लोग गए नहीं गए, हम गए तो हम पे इस तरह का हमला हुआ। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, और लोकतंत्र में मैं सबसे अपील करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस बूथ को 324-323 नंबर बूथ को रद्द करने की मांग करता हूं।